अरे डुपा डुपा एक, ये क्या कर रहे हो आप? हूँ मैं नाराज आपसे विचित्रगुप्त जी। जब गया था मैं जीवन लोक तो किया था इन्होंने मेरा स्वागत एक मित्र की तरह, और अब यहाँ नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी। बस इतनी सी बात? अब तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। ये आंखें हैं नहीं विचित्रगुप्त जी की, क्योंकि थी उनकी आंखें तो काली, पर अब है ये नीली, और लगता है कि मैंने देखी ये आंखें पहले भी कहीं। किसकी किसकी? बट भाई किस सोच में पड़ गए? तुम जीवन आत्मा मुझे दे दो, मुझे भी जाना है। हाँ, ले जा दो जीवन आत्मा। नहीं नहीं, नहीं ले जाने दूंगा मैं इसे। हाँ, है ये मेरा मित्र, और जाने नहीं दूंगा मैं अपने मित्र को। डूबा डूबा एक, मजाक बंद करो और वापस करो जीवन आत्मा। नहीं नहीं नहीं, होना चाहता मैं अपने मित्र से अलग। लगता है ये डुपा डुपा एक बिगाड़ देगा हमारा सारा खेल। तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है? हाँ, है लगता गया कुछ मेरी आँख में। पालवीर जरा देखो तो। हाँ हाँ हाँ, देखा? देखो। अब देख रहा हूँ, अब तो देखो। क्या हुआ? बलवीर, है नहीं मेरी आंखों में कुछ। सुनो गौर से, है नहीं वो विचित्रगुप्त, बल्कि उनके रूप में है मेरा भाई बाबा तोबा। क्या? हाँ, कैसे? डुबा डुबा एक, ये तुम्हारे लिए उपहार। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वाह, धन्यवाद विचित्रगुप्त जी। ये उपहार तो है दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन सच कहूं है आपकी आंखें अति सुंदर। धन्यवाद। बुरा है कि नहीं कि वो आंखें तोबा तोबा की है? वो मेरा भाई, पहचानने में उसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, सच का पता लगाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। विचित्र गुप्त जी, आप एक काम कीजिए, आपकी जीवन आत्मा को डुबा डुबाई के पास ही छोड़ दीजिए। उसका मित्र है ना, इसलिए। ये क्या बात हुई बालवीर? हाँ, आपको पता है ना बालवीर, जीवन आत्मा का वापस जीवन लोक जाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ अटकाती परी, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना दुख डुबा डुबा एक को जीवन आत्मा से बिछड़ कर हो रहा है, उतनी खुशी विचित्र गुप्त जी को नहीं हो रही जीवन आत्मा मिलने पर। नहीं नहीं बालवीर, मैं बहुत खुश हूँ। देखो 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 मैं कितना खुश हूँ। नहीं, सिर्फ फंसना काफी नहीं है बालवीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर विचित्र गुप्त जी को आत्मा मिलने की खुशी होती तो हमेशा की तरह उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। नहीं नहीं, है ना मेरे आंखों में आंसू, देखो देखो। देखो देखो। चित्रगुप्त जी, दिखे आपके आंसू, लेकिन ये आंसू काले क्यों हैं? क्यों? तोबा तोबा। हाँ डुबा डुबा। देखा है ये मेरा जुड़वा भाई, तोबा तोबा। तोबा तोबा?
इस बेवकूफ तौबा तौबा ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। परियो, ये विचित्र गुपजी नहीं है, तौबा तौबा है, कैद कर लो इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, अरे बाबूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। मैं कमजोर नहीं। धीरे संभाला। धीरे। अरे ये सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, इन सबका क्या करेंगे? खाऊंगा। अरे ये सब वाजिंत्र है, इसे बजाऊंगा। जब पता चला है कि गाने के साथ बजाना भी जरूरी है। लो, अभी तक बापूजी का गाना सहना पड़ता था, अब उनका बजाना भी सहना पड़ेगा। क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये कह रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ, 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 हाँ। बोलो बोलो, क्या सुनोगे? रेडियो। बाबूजी रेडियो पे न्यूज आते हैं ना, आप रोज न्यूज सुनते हैं ना? चलो हम सब मिलके रेडियो सुनते हैं, चलो। अरे मेरे कहने का मतलब है कि संगीत में क्या सुनोगे, सुनो अब। मत गाइए, मत गाइए। हाँ बाबूजी, बच्चे डर जाएंगे। क्या हुआ मानव? है तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए? लगता है तुम्हारे बापूजी का गाना सुन लिया होगा, इसलिए कहा था कि मत गाइए। नहीं दादी, हम दादाजी के गाने की वजह से नहीं, बल्कि बास्केटबॉल के मैच की वजह से परेशान हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ, अबे खुशी का राग गाता हूँ, देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बापूजी, आप चाहे तो सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बाहर से ऑडियंस लेके आता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन बापूजी बच्चों की बात सुन ले। हाँ बेटा, बास्केटबॉल मैच से परेशान होने वाली क्या बात है? अब हमने चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन उन बड़े बच्चों के साथ हम जीतेंगे कैसे? बेटा हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज ठान लो तो वो असंभव नहीं है। असंभव है क्या? तुम्हारे दादाजी का सुर में गाना बजाना? नहीं, बास्केटबॉल मैच जीतना। आ तो फिर कैंसल। क्या बापूजी का गाना गाना? ए बच्चों का बास्केटबॉल मैच मुश्किल है। क्या बच्चों का मैच जीतना? नहीं, तुम्हारे बापूजी का सुर में गाना बजाना। अरे बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग सात सच्चों के डगली परिवार से हैं। हम लोग एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं तो गिर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते? नहीं, बापूजी के गाने से हमें तकलीफ होती हो। बापूजी, बापूजी, माँ का कहना ये है कि भले ही आपका गाना हमें उतना आनंद न देता हो, लेकिन बापूजी इस उम्र में भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, बापूजी से ये सीखने की जरूरत है, अरे लड़ो, उन बड़े बच्चों के साथ मैच खेलो और दिलो जान से जीतने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हिम्मत हार कर बैठे रहने से तो हार पक्की है, लेकिन दिल से कोशिश करो, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। हाँ माँ, अब हम ये बास्केटबॉल मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब सारी मेहनत भी करेंगे। शाबाश। ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तुम्हारी तरह मैं भी संगीत सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, सुबह दोपहर शाम रात बस प्रैक्टिस करते ही रहूंगा, प्रैक्टिस करते ही रहूंगा। ये तो अच्छा है कि डुबा डुबा एक को सही समय पर तौबा तौबा पर संदेह हो गए, वरना अगर ये बिना अंत की तारीख पड़ी जीवन आत्मा उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता। हाँ नटखट परी, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि छल परी को पता कैसे चला यहाँ परीलोक में जीवन आत्मा है। हो सकता है कि वो जीवन आत्मा का पीछा करते हुए यहाँ परीलोक में आ गई हो। वजह जो भी हो,
छलपरी को हमसे छल करने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं परी, हमें सबसे पहले विचित्र गुप्त जी की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय हमारा आक्रमण करना यानी विचित्र गुप्त जी को खतरे में डालने जैसा होगा। तो हमें आगे करना क्या चाहिए बालपरी? हमें सबसे पहले जीवन आत्मा को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा जहाँ पे छलपरी और उसके बुरे इरादे कभी ना पहुँच सके। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान हो सकता है? पृथ्वी लोक। हाँ बाल, तुम्हें जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक ले जाना चाहिए ताकि अगर छलपरी दोबारा परीलोक आए भी तो भी वो जीवन आत्मा तक ना पहुंच पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बालवीर, पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम इसे छुपा सकते हो? क्योंकि भयंकर परी की पहुंच से तो पृथ्वी लोक भी दूर नहीं है ना? मैं जानता हूँ, और मैं जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में। रुकिए बालवीर, जीवन आत्मा को आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छिपाएंगे, किसके पास छिपाएंगे, ये सारे फैसले हम सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। जीवन आत्मा की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पे सुरक्षित करके आता हूँ और फिर हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने चलेंगे। ले जाओ बालवीर, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं ये बात भी भयंकर परी और छल परी को बता दूंगी। ले जाओ। सारे तारे मैं कैसे रोकूं इनको? नहीं, अरे कोई तो गाना बंद करो। ये सारी गलती इस बेवकूफ तौबा तौबा की है। इतनी आसानी से उन परियों के सुर में बह गया ये कि अपने सुरताल भूल गया, वरना आज वो जीवन आत्मा हमारे कब्जे में होती। मैंने पहले ही कहा था कि बालवीर तुम्हारे गलत इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। अब भी समय, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। हमारी नहीं, अपनी सदा की फिक्र करो विचित्र गुप्त। दगड़दुम 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 दगड़दुम। बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये जादुई कुंड, कोई तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। देखने के लिए जादुई कुंड में अब तो करना ही होगा आपको मुझे सीधा चल परे। करो मुझे सीधा, चलो। हाय लगेगी आपको मेरी हाय। तौबा तौबा, जादुई कुंड चलिए। भयंकर परी
ये मेरा मनहूस जिन, देख ली इसकी शक्ल मैंने। बोलो। बोलने का समय, बोलने का समय तो गया भयंकर परी, कुछ कीजिए, कीजिए कुछ, वरना वो जीवन आत्मा वो भी आपके हाथ से निकल। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जल्द ही उस जीवन आत्मा को परीलोक से लाने की कोई ना कोई धुन बना ही लूंगी। चल परी, तुम धुन ही बनाती रहना, ठीक है? और तब तक वो बालवीर उस जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक में एक ऐसी सुरक्षित जगह पे छुपा देगा जिसे तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। पृथ्वी लोक? पृथ्वी लोक पर वो जीवन आत्मा को कहाँ छुपा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, एक बार उस जीवन आत्मा को छुपाने के बाद वो लोग विचित्र गुप्त को भी ढूंढने निकल जाएंगे और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए भयंकर बल, आपको जो भी करना है जल्द कीजिए। अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? बालवीर, तुम यहाँ और अभी? हाँ मैं, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी मानव को जगाती हूँ। मानव, मानव उठ जा, उठ जा मानव। हर थोड़ी देर सोने देना, इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? और अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा है। मुझे पता है अलार्म नहीं बजा है, लेकिन बालवीर आया है, उठ जा। अलार्म बजाने? नहीं, तुझ पे पानी डालने। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं खेले चश्मे। बालवीर तुम यहाँ? मेहर, तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानो मेहर ने मुझे नहीं बुलाया है, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो तुम हमारे दोस्त हो तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हो ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ वैसे बालवीर तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्र गुप्जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो मेहर के साथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो मेहर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर, वादा करता हूँ। बहुत अच्छी। मानो मेहर, इसका ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल मेहर सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया, इसका क्या? हाँ सॉरी मेहर, अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बेड बनाते हैं। अरे हाँ, चल चल चल। एक मुझे खोल। आओ ये है तुम्हारा बेड। अरे पर अब इसे कहाँ रखें? हाँ वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। हाँ
है तुम्हारी जगह। गुड नाइट, आराम से सोना। बाय बाय। आप फिक्र मत कीजिए भयंकर परी, क्योंकि अब वो जीवन आत्मा खुद हमें उस तक पहुंचाएगी। है लगता मुझे है लगा इनको हार का बहुत बड़ा धक्का कि हो गया इनका दिमाग खराब। तौबा तौबा, तुम सच में बेअकल हो। भयंकर परी, जीवन आत्मा कुछ देर के लिए तौबा तौबा के हाथ में आई थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसके कुछ अंश तौबा तौबा के हाथ में जरूर रह गए होंगे। जीवन आत्मा की एक विशेषता होती है कि उसके अंश चाहे कितने भी टुकड़ों में बिखर कर फैल जाए, लेकिन वो अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए अब जैसे ही तौबा तौबा के हाथ से मैं जीवन आत्मा के अंश को हवा में छोड़ूंगी, वो अपने आप अपने बाकी की जीवन आत्मा से जुड़ने के लिए उस तक पहुंचेंगे और उनका पीछा करते करते मैं भी उस जीवन आत्मा तक पहुंच जाऊंगी। आज चल परे दगड़ दूं, क्या कमाल की युक्ति निकाली है। तौबा तौबा, अपना हाथ आगे करो। तुम जहां चाहे छुपा लो इस जीवन आत्मा को बालवीर, मगर छल परी इस तक पहुंच ही जाएगी और इस बार बुराई अमर होकर ही रहेगी। मैंने बालवीर से कहा है कि किसी को परेशान नहीं करूंगा, पर मैं बाहर जाकर ये घर तो देख ही सकता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पर ये जगह परी लोग से अलग लग रही है। अरे, इसमें से तो आवाज आ रही है। कितनी बार इन्हें समझाया पर ये नहीं मानेंगे। आधी रात को संगीत बजाना शुरू कर दिया। क्या मधुर संगीत है। अरे ये संगीत नहीं, शोर है। आप यहाँ आए तो फिर बाहर कौन शोर मचा रहा है। अरे जरूर जरूर मेरा कोई फैन होगा। हा? चलो जाके देखते हैं। चलो कौन है? महेश, ये बापूजी तो संगीत के भक्त हो गए। यार बेरात बेरात ये बापूजी की पूजा के चक्कर में वो हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं यार। वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा ना। चलिए चलो चलिए चली रहा हूँ। हाँ। अब ये कौन सा शोर है? जरूर दादाजी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हाँ, मैं तो अपने नए दोस्त को भी बोल दे कि वो ये सुनकर डरे ना। हाँ अभी बताती हूँ। मानव, मानव जल्दी आ। क्या हुआ महेश? मानव देख, मानव भाग भाग भाग। अरे कौन है? अरे कौन है ये? अरे महेश, मुझे लाइट जला। किचन में कहाँ जा रहा है? आपने कहा ना लाइट जलाने के लिए, माचिस लेने जा रहा हूँ। हे भगवान, महेश लाइट चालू कर। अरे हाँ।
से चले गया क्या? क्या, क्या यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ये शोर कौन कर रहा था? क्या सॉरी बापूजी, संगीत कौन बजा रहा था? मुझे क्या पता बापूजी, मुझे पता है। मेरे हिसाब से ये पड़ोसियों का काम है। क्यों? हाँ, क्योंकि पूरा दिन भर वो बापूजी के शोर से, मेरा मतलब सुमधुर संगीत से परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए अब वो हमें रात में परेशान कर रहे हैं। हाँ, बेचारे पड़ोसी परेशान होते होंगे ना बापूजी का ये महेश। सोते हैं, चल स्मिता सो, चलो 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 सब लोग सो, चलो चलो सो जाओ। ये रियास कौन है? रात को 2:30 बजे आपको क्या पूछ रहा है? चलो सुबह पूछा, चलो सुबह बता देना। लेकिन दोस्त, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम हमारे पास हो। और बालवीर ने कहा है ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे पास हो। ये अंश तो इस घर के अंदर गए और ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। चल परी, है ये मानो और मेहर का घर। यानी कि बालवीर ने अपने चहेते मानव और मेहर के घर इस जीवन आत्मा को छुपाया है। हाँ। अब मैं इस घर के अंदर जाऊंगी और बड़े ही आसानी से उस जीवन आत्मा को हासिल कर लूंगी। ये मामूली इंसान मेरे बुरे सुरों का मुकाबला क्या कर पाएगा? कहीं आपने सिर्फ एक बात सही। एक बात क्या? यही कि है आपके सुर बहुत बुरे। क्यों उड़ गया ना रंग आपके चेहरे का सिर्फ नाम सुनते ही? तो सोचिए चलपरी, अगर देख लिया घर वालों ने आपको ऐसे इस भेष में, तो बुला लेंगे बालवीर को झट से, और फिर करेगा बालवीर आपके सुरों की ऐसी की तैसी। ये खामोश, मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि रूप बदल कर अंदर जाऊंगी। रूप बदल कर और आप तुम किस पे हंस रहे हो? आप और किस पे? मतलब गई भूला गई थी आप पिछली बार इस घर में रूप बदल कर, तो हुआ क्या था आपके सुरताल का बुरा हाल? ये तो बिजली का झटका। नहीं नहीं, तो आइए चलिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। बेवकूफ, तो बताबा छल की बुराई की तरकश में अभी और भी कई तीर है। मैं जल्द ही घर के अंदर जाने के लिए कोई नई धुन सोच लूंगी, लेकिन इस बार जीवन आत्मा को हासिल करके ही रहूंगी। बालवीर, हम सब परिया विचित्र गुप्त जी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ, और हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाएंगे। अलग अलग क्यों? हाँ बालवीर, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियां भी अधिक होंगी। हाँ, ये सवाल शक्ति का नहीं है, बल्कि समय का है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और वैसे भी हमें नहीं पता कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। परी, मुझे लगता है कि बालवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो विचित्र गुप्त जी को जल्दी ढूंढ पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। तो ठीक है, मैं भयानक लोग जाऊंगा और आप सब परिया विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए छल लोग जाइए। लेकिन जिसको भी विचित्र गुप्त जी का पता चलेगा, वो तुरंत दूसरी परियों को संपर्क करके बता देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बालवीर, आपने जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पर सुरक्षित जगह पर रख दिया है ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। Thank you.
तुझे कुछ मिला? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुझे कुछ मिला? नहीं। मेहर, ये देख। हाँ। ये, हाँ, ये ठीक है। हाँ। चल लगा दे। चल। चल यहाँ। आजा, नीचे। ये ले माना। ये ना। जा। ये नहीं गया। चल कोई बात नहीं, अब कोशिश करती हूँ। मानो महर तो अपने खेल में मस्त है, पर मैं क्या करूँ? हाँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि इस घर में बाकी सब कौन है, वो क्या कर रहे हैं। महर, हमसे इस बास्केट नेट में बॉल नहीं डाला जा रहा है, तो फिर कल के बास्केटबॉल के मैच में हम क्या करेंगे? हाँ मानव, हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे, उन बड़े बच्चों के साथ मैच क्या जीतेंगे? हाँ महर, मैं तो कहता हूँ कि हम ये मैच कैंसिल कर देते हैं। हाँ नहीं, अगर हमने चैलेंज लिया है तो उसे हमें पूरा करना होगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, है ना? इसलिए मैं ही कुछ सोचती हूँ, समझा? माना, यहाँ। हमारा दोस्त फिर से कहीं चला गया, चल देखते। अरे हे, कहाँ वो जीवन आत्मा? ये तो हमें घर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदर जाएं कैसे? अरे बहू, दूध वहाँ रखा है, गैस पे देख लेना। हाँ भूल गई। अरे मेरी पूजा की थाली तो लेकर आ, लाई वहाँ। बालवीर ने कहा कि मुझे अच्छा बच्चा बनना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, पर किसकी मदद करूं? यहाँ तो सब अपना काम करते हैं। ये क्या है? ओ, है ये रोशनी वाली तार, होती है इससे रोशनी। लेकिन याद ही क्यों है? क्योंकि है ये शायद जानती, ये करती है आप सारे काम आधे। कम से कम कीजिए तो सुना मेरी पूरी बात। है यहाँ ये आधी तार, लाई वो तार लाई। लो, हो गई है अब पूरी तार। मोटा भाई ने कहा है फैन ऑन करो, पे करो। लेकिन इसमें फैन का बटन कौन सा है? हाँ, ये। फैन तो ऑन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सारे बटन ऑन कर देता हूँ, तो फैन का होगा। ए, अभी तो है भी नहीं उसे घर में और लग गए इनको बिजली के झटके। अब करूं क्या इनका, मैं कैसे बचाऊं मिले? ए चल परी, ए रॉकी, तुझे कहा था पंखा ऑन कर, एक बटन ऑन करना चाहिए था, सारे बटन ऑन कर दिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। मेरे चल परी, ये चलते हैं वापिस। नहीं, मैं जीवन आत्मा को हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। चाहे उसमें हमारी आत्मा क्यों ना निकल जाए।
स्टूल कहाँ गया? ये बच्चे भी ना खेलने के लिए स्टूल ले लेते। महेश, महेश जरा इधर आना। ये डिब्बे उतारने हैं इनको, पर वो ऊंचे पड़े हैं। चलो इनकी मदद करते हैं। ये कैसे हो गया? श्री कृष्ण शरणम मम। चलो अब पाठ शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना। रॉकी बेटा। हाँ माँ। ये जरा घंटी बजा दो ना, मैं पाठ कर लूँ। हाँ माँ, अभी घंटी बजा के आया। मैं अभी जाके दरवाजे की घंटी बजाता हूँ, मजा आएगा। अरे दरवाजे की घंटी नहीं, मंदिर की घंटी बजानी है। लगता है ये मुझे ही करना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे वाह रॉकी बेटा, बिना रुके मस्त घंटी बजाई तूने। तो रॉकी बेटा कहाँ है तू? और ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण। भागो बापरे, भागो दुनिया दुनिया। हमने भयानक लोक का कोना कोना ढूंढ दिया, लेकिन हमें विचित्र गुप्त जी कहीं नहीं मिले। हो सकता है कि वो छलोक में हो। हाँ तार, ऐसा हो सकता है। बालपरी, आप तुरंत बालवीर को यहाँ बुलाइए, ताकि हम लोग आगे की रणनीति बना सके। हाँ अभी बुलाते। बालवीर 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 बालवीर। माँ आपको विचित्र गुप्त जी मिले? नहीं, हमें लगा कि आपको मिले होंगे छलोक में। नहीं माँ, वो छलोक में भी नहीं है। अगर वो छलोक में नहीं है, भयानक लोक में नहीं है, तो वो है कहाँ? हो सकता है कि वो यही पृथ्वी लोक में हो। नहीं विस्तार परी, मैं पृथ्वी लोक में पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वो यहाँ भी नहीं है। अगर वो छलोक में भी नहीं है, भयानक लोक में भी नहीं है, पृथ्वी लोक में भी नहीं है, तो जरूर वो पाताल लोक में हो। हाँ बालवी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पाताल लोक ही बुराई के लिए छुपने की सबसे सुरक्षित जगह है। फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। हाँ बालपरी, लेकिन पाताल लोक इतना विशाल है कि हम विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाए तो भी कई दिन लग जाएंगे। और इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। पर ये होगा कैसे? हाँ, और वो कौन है जो विचित्र गुप्त जी को हमसे पहले ढूंढ ले? सफेद चूहे। सफेद चूहे? हाँ, पाताल लोक में जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढने का कार्य हमारे लिए हमारे मित्र सफेद चूहे करेंगे। लेकिन सफेद चूहे ही क्यों? क्योंकि उन्हें जमीन में घुसकर कहीं पे भी सुरंग बनाने में महारत हासिल, और वो भी जल्द से जल्द। कम से कम समय में वो पाताल लोक में घूम सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। तो फिर देर किस बात की? बात आप अति शीघ्र ही अपने दोस्त सफेद चूहों को बुलाओ।
खुश रहो मित्र, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परिया। क्या हुआ बालवीर? मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, और उसके लिए मैं अभी अपने बाकी साथी चूहों को भी बुला लेता हूँ। मित्रों, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप सबको जल्द से जल्द पाताल लोक में जाकर पता लगाना होगा कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ पे कैद किया है। तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे बालवीर, और ये हमारा वादा है तुमसे बालवीर। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, अब आप जल्द से जल्द खोज शुरू कीजिए। माँ, परियो, मुझे विश्वास है कि ये सफेद चूहे जल्द से जल्द पता लगा लेंगे कि विचित्र गुप्त जी पाताल लोक में कहाँ है, और फिर हम सब छल परी की कैद से उन्हें छुड़ा भी लेंगे। हाँ बालवीर, मैंने मदद की तो कितने खुश है सब। चप्पल चप्पल स्टैंड में नहीं है, यहाँ तो नहीं है। नहीं, इस घर में कोई चीज उसकी जगह पर नहीं होती है। चप्पल चप्पल की जगह नहीं है, जहाँ चप्पल की जगह नहीं है वहां पर भी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कर मुझे क्या करना है मुझे क्या, ये ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम करना है। अरे भाई, कोई मेरी चप्पल ढूंढ के देगा। ये खत्म करता हूँ, पहले ये इम्पोर्टेंट काम है। ये जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो यही है। चलो मैं इन्हें दे देता हूँ। ये शुक्ला कब अच्छा काम करेगा। घर में चप्पल अलाउड नहीं है। रुक रुक, चले। अरे रुक जा, तू अंदर जाएगी तो कस्तूरी मुझ पर गुस्सा करेगी। रुक, ऐसे तो कब पहुंचू। ए रुक 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 रुक, अरे रुक रुक ना। अरे अब नहीं छोड़ना, अब रुक जा तू। बापूजी क्या कर रहे हैं, बापूजी आप क्या कर रहे हैं। बापूजी मेरी जगह आपके चरणों में है, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं है। ए, मैं तेरे पैर नहीं छू रहा हूँ। तो मैं अपनी चप्पल ले रहा हूँ। अच्छा ये बापूजी, आपकी चप्पल यहाँ कैसे आई? वो अपने आप चल के यहाँ आ गई। क्या? अरे हाँ भाई, अपने आप चल के आ गए। अच्छा, बाबूजी मैंने भी कल सुबह ऐसे मछली को उड़ते देखा था। बेटा तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? शुरुआत किसने की? मैंने। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। बापूजी चप्पल अपने आप नहीं चलती। हाँ लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। अच्छा तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मुझे ऑफिस जाना है, वो मेरी बैग वहाँ पड़ी है। हाँ। मैंने सब बुलाया, बैग बैग मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास उड़ के आ जा। आएगा, बैग आ रही है उड़ के। नहीं ना, लगता है अब इन्हें वो बैग चाहिए। बापूजी चप्पल नहीं चलती। ए यार, लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। बापूजी जैसे बैग अपने आप उड़ के नहीं आती, वैसे ही चप्पल भी अपने आप चल के नहीं आती। अरे लेकिन मेरी चप्पल अपने आप चल रही है। कहाँ चल रही है, कहाँ है?
क्या? ओह नो मैन, अब हमारा दोस्त तो पकड़ा जाएगा। अरे ऐसे कैसे पकड़ा जाएगा, हमें ना हमें कुछ करना पड़ेगा। उड़ रही है बैग, उड़ रही है। क्या बापूजी, क्या हुआ आपको? अरे देख। क्या देखूं? अरे उधर देख। क्या दिखा? हाँ दिखा, बैग उड़ रही है ना। बापूजी बच्चे बैग लेके आ रहे हैं। ये डरा दिया ना। पापा आपको अपना बैग चाहिए था ना, ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच बेटा। तो चल अच्छे से जाना। चल मैं आराम से। हाँ बाय पापा, जल्दी आ जाना। हाँ महेश, मैं सच कह रहा हूँ कि बैग होता है, कभी कभी वहम हो जाता है। तुझको कैसे समझाऊं मैं? ए बाबू जी, चप्पल ऐसे हाथ में, चप्पल पहन के कहाँ जाने वाले थे? कहाँ जा रहा था? मुझे क्या पता। अरे हाँ, मैं ना संगीत टीचर को ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे संगीत सिखा सके। मैंने अभी कहा ना, कभी कभी इंसान को वहम हो जाता है। जाइए जाइए बाबूजी, संगीत शिक्षक को ढूंढिए। तो बैग ऐसे। क्या बाबूजी? मिल गया तौबा तौबा, मुझे घर के अंदर जाने का उपाय। अब मैं घर के अंदर संगीत शिक्षक बनकर जाऊंगी। महर आज तो हम बच गए, वरना पापा और दादाजी हमारे दोस्त को देख ही लेते। हाँ मानव, गलत दोस्त गलत। हमें बिना बताए तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे घर को भी देख लूं और तुम्हारे परिवार को भी मिल लूं। लेकिन तुम्हें याद है ना, बार्बी ने हमें क्या कहा है कि तुम हमारे पास हो, इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। मैं तो सिर्फ सबकी मदद कर रहा था। हाँ लेकिन इससे तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर बालवीर ने तुम्हें हमारे पास रखा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ और बस तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। मानव थोड़ा शांत। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ और मैं आगे से ख्याल रखूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल सही, और ये सब हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हाँ और पता नहीं इधर तुम बाहर गए, वहाँ कौन सा बड़ा खतरा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। अरे हमारे घर में इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है? हाँ अच्छा है, मतलब दादाजी नहीं हो सकते। कितना बढ़िया गाना बज रहा है, ऐसा लगता है कि घर का माहौल एकदम संगीतमय हो जाए। सीता, ये इतना कमाल कौन गा रहा है? कहे बापू जी तेरे? महेश तुम्हारे बापूजी कितना अच्छा रिंग कर रहे हैं। रिंग नहीं माँ, सिंग सिंग गा रहे हैं। हाँ वो वही सेम टू सेम, पर कितना अच्छा गा रहे हैं। क्या बात है बापूजी? हाँ क्या बात है, कितना बढ़िया गा रहे हैं आप। बापूजी आप कितना बढ़िया गा रहे हैं, वो भी लड़की की आवाज में। क्या? अरे मैं तो कहता हूँ कि बापूजी हमेशा लड़की की आवाज में गाए। हाँ? अच्छा गाते हैं। अरे मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ? आप नहीं गा रहे तो कौन गा रहा है? मैं गा रही हूँ।
हाँ ये बुराई के सुर अच्छे सुर है इनके ही। आप जी, मैं सरगम, सारे गामा मेरे साथी और संगीत मेरा दोस्त है। बस इसलिए मैं हरदम अच्छी और मधुर आवाज की तलाश में रहती हूँ। तो फिर मैम आप गलत घर में आए हैं। करेक्ट है रॉकी। महेश गलत है रॉकी। लेकिन यहाँ पे कौन अच्छा गाता है? रॉकी। वाह क्या बात है, वाह क्या सुर लगाए, एकदम बेसुरा। नहीं था, था बिल्कुल सुर में। हाँ क्या रॉकी, वाह वाह वाह, एक बार और, एक बार और। रॉकी दर्द दर्द। क्या बात है, वाह मुझे लगता है मेरी तलाश अब यहाँ खत्म हो गई। देखिए जब भी ऐसी सुरीली या मधुर आवाज मेरे कान में पड़ती है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे तराशूं, उसे सिखाऊं, और वैसे भी मैं तो पत्थर में से भी संगीत निकलवा लेती हूँ। इसे कहते हैं कुआं खुद प्यासे के पास आया है, मतलब पत्थर के पास। प्यासे के पास। हाँ। तो आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। देखिए मैं आपको सिखा तो दूं, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, संगीत का एक मिजाज होता है, सिखाने का एक मूड होता है, और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा मूड हो तो मेरा शिष्य मेरे आसपास रहे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर रह सकती हैं, और आपका सामान भी। बोलते हो सामान किसको, उस्ताद बाकिर भाई। हाँ ठीक है ठीक है, बस आप समझिए कि मेरा काम हो ही गया, बस एक बार मुझे वो दिख जाए सीख जाए, एक बार आप सीख जाए, बस हो गया काम। चल माना चल, अरे लेट हो रहा है, चल ना, तुझे पता है ना हम लोगों को। अरे सॉरी। हल्की बेटा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ हम बाहर खेलने जा रहे हैं। हाँ बास्केटबॉल। चल बाय 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 बाय। काफी समय हुआ सफेद चूहों को गए हुए, लेकिन अभी तक उनका वहां से कोई संदेशा नहीं आया है बालवीर। हाँ और पता नहीं वो सफेद चूहे विचित्र गुप्त जी का पता लगा भी पाएंगे या नहीं, और पता लगने के बाद क्या पता उन्हें कितना समय लग जाए। मुझे पूरा विश्वास है परी, क्या अगर छल परी पाताल लोक में है तो वो लोग उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ ही निकालेंगे। ये जरूर कोई संदेश लाए होंगे बालवीर। हाँ कहो मित्रा क्या खबर लाए हो, क्या मिले विचित्र गुप्त जी? नहीं नटखट परी, विचित्र गुप्त जी का कुछ पता नहीं चला। हाँ छलपरी और विचित्र गुप्त जी का पाताल लोक में कुछ पता चला? नहीं बालजी, मैं जहाँ गया था वहाँ भयंकर परी नहीं थी। कोई बात नहीं, शुक्रिया मित्र। Come on, boss! क्या बॉस? Yes, come on! क्या ला? क्या ला? अरे बॉस! अरे 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 अरे! अब मैं नहीं दूंगा, ये मेरी बारी है। हाँ। यहाँ हर बार सिर्फ मेरी बारी होती है। राइट। चाहे वो बात बास्केटबॉल की हो या
मार खाने की। हमेशा मार खाने की बारी तुम्हारी होती है। मोंटू, तुम्हें मानव और मेहर से बॉल नहीं छीननी है, तुम सब एक साथ खेलो, तुम लोग एक ही टीम में हो। क्या दिन आ गया केवल, मानव मेहर और मोंटू बॉस एक टीम में। ऐसा लग रहा है इस संतरों के सामने कद्दू रख दिया। अरे बॉस एक तो ठीक से मारो। मोंटू, अरे अगर ऐसे खेलोगे तो हम लोग एक भी बास्केट नहीं कर पाएंगे और हम कल का मैच हार जाएंगे। सही कहा आपने। बिल्कुल सर, आपका ये प्यारा चुन्नू मुन्नू एक बास्केट नहीं कर पा रहा है, हमें क्या हराएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोंटू बॉस को चुन्नू मुन्नू कहने की। हाँ, अगर कहना है तो मोंटू बॉस को उल्लू गधा पानी का टैंकर को, लेकिन चुन्नू मुन्नू कहा तो हम सहन नहीं करेंगे, है ना बॉस। सॉरी बॉस। सर मैं क्या कह रहा था, कल का मैच कैंसिल कर ही दीजिए वरना खामखा सबके सामने आपकी इज्जत जाएगी। ये आप सही कह रहे हो भैया। मेरा मतलब है कि मेरे पापा जी कहते हैं कि मुकाबला हमें उनकी साथ करना चाहिए जो हमारी बराबरी कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि आप हमारी बराबरी कर पाओगे। इसलिए तो खेलने से पहले ही अपने जीतने का ऐलान कर रहे हैं आप सब, और हम लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। हम कल आपको मैच में हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हिम्मत होना अच्छी बात है, लेकिन चूहा कभी हाथी को हरा नहीं सकता। डोंट वरी सर, अगर आपके पास हाथी है ना तो हमारे पास भी हाथी है। ऐसा है तो ठीक है, हमारी पूरी टीम को जाने दो, आज तुम सब लोग मिलकर सिर्फ इसे हरा के दिखा दो। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मुझे सॉरी मोंटू, लेकिन मैं तो दाएं हाथ से खेलता हूँ। इसने तो मेहर को गिरा दिया। क्या हुआ, निकल गया दम? कल का मैच खेलना है या कैंसिल करें?
ये सब तो बहुत घमंडी हैं। इन्हें तो मजाक चखाना ही पड़ेगा।